रविवार को पीएम मोदी का शपथ ग्रहण समारोह। इंडिया ब्लॉक के नेताओं को नहीं मिला न्योता। न्योता नहीं मिलने पर क्या बोले कांग्रेस नेता। नरेंद्र मोदी 9 जून 2024 की शाम 7:15 पर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए सभी दलों को आमंत्रित किया गया है, बल्कि नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में 7,000 लोगों को न्योता भेजा गया है। दरअसल शुक्रवार को नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया था। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश किया था। इसके बाद राष्ट्रपति ने उन्हें रविवार को सरकार बनाने का न्योता दिया। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। इसको लेकर दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा रहेगा। राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। लेकिन मोदी के शपथ ग्रहण का न्योता मिलने के सवाल पर कांग्रेस पार्टी का बयान सामने आया है। कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण फिलहाल इंडिया गठबंधन के नेताओं को नहीं मिला है, लेकिन न्योता मिलने के बाद इस पर विचार किया जाएगा। एक सवाल के जवाब में पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा, रविवार को शपथ ग्रहण समारोह के लिए अभी सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को निमंत्रण भेजा गया है, अभी तक हमारे नेताओं को निमंत्रण नहीं आया। अगर इंडिया गठबंधन के नेताओं को निमंत्रण आएगा तो उस पर हम विचार करेंगे। आइए आपको सुनाते हैं जयराम रमेश का बयान, उन्होंने आखिरकार क्या कुछ कहा। अभिषेक बनर्जी कल के शपथ ग्रहण समारोह के लिए सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को निमंत्रण गया है, अभी तक हमारे नेताओं को निमंत्रण नहीं आया है। जब हमारे इंडिया जनबंधन के नेताओं को निमंत्रण आएगा, अगर वो आएगा, उस पर हम विचार करेंगे। बता दें आपको, मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, नेपाल, मॉरिशस और सेशल्स के शीर्ष नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू, भूटान के प्रधानमंत्री श्वेरिंग तोबगे, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ और सेशल्स के राष्ट्रपति वेविल राम खेलावन को आमंत्रित किया गया है। लोकसभा चुनाव के आपको बता दें, नतीजों में बीजेपी को इस बार बहुमत नहीं मिल पाया, हालांकि एनडीए ने बहुमत हासिल कर लिया है। एनडीए को 293 सीटें मिली हैं, इनमें से बीजेपी के खाते में 240 सीटें आई हैं। उधर इंडिया गठबंधन को 234 सीटें मिली हैं, इसमें कांग्रेस ने 99 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां अब करीब करीब पूरी हो चुकी है और देश में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के लिए तैयार हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।